हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त अजमत। जो मुर्गी पालन में और एक दिक्कत जो आती है चूहों से, वो दिक्कत के बारे में बताऊंगा ये वीडियो में। एंड तक देखते रहिएगा, क्योंकि जब हम इस तरह मुर्गियों को खुड़क बिठाते हैं ना, तब क्या होता है, जब मुर्गी बच्चा निकालती है तब चूहे उनके पैरा खा जाते हैं और बच्चों को भी खा जाते हैं और मुर्गियों को भी दिक्कत रहती है इससे। जब खुड़क बिठाओगे तो मुर्गी ज़्यादा उठेगी नहीं, तो वहाँ पर चूहे उनके पैरों को भी कट कर सकते हैं। ओके दोस्त, तो आप अलग मतलब एक जैसे एक फ्रेम में आपको आप बच्चों को छोड़े हो, तो उसमें भी फ्रेम में भी बच्चों को खा जाते हैं चूहे। तो ये प्रॉब्लम से किस तरह निकलना है वीडियो में बताऊंगा, एंड तक देखते रहिएगा। अगर से वीडियो पसंद आए तो एक लाइक मार देना, और मेरे हर वीडियो आपको चाहिए तो नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब दिख रहा है दोस्त, बस वो दबा दीजिएगा, मेरे हर वीडियो आपको आते रहेंगे। चलो दोस्तों, अभी बताता हूँ फार्म में चूहे नहीं आने के लिए क्या करना चाहिए। जो हाथ में देख रहे हो इस तरह की जाली, ओके दोस्त, जब आप फार्म स्टार्ट कर रहे हो तभी आपको ध्यान से याद रखना है, ये जो जाली है यहाँ पर देख सकते हो, सिर्फ एक उंगली की मतलब गैप की जाली रहेगी। ओके, इस तरह की जाली आपको ध्यान से देख लीजिएगा, एक बार स्क्रीनशॉट मार लेकर उन्हें दिखाओगे इलेक्ट्रॉनिक मतलब वो शॉप में, इलेक्ट्रिशियन शॉप में, तो दे देंगे आपको इस तरह की। ओके दोस्त, इतनी ही नहीं रहेगी, बड़ी रहेगी। ओके, इस तरह की जाली आपके फार्म जितना है उतना मारना है, कम में ही मिल जाएगी। ओके दोस्त, तो इससे क्या होगा, बिल्कुल भी चूहे नहीं आएंगे, छोटे चूहे भी नहीं आएंगे। ओके दोस्त, तो ये एक तरीका रहता है, इससे 100% नहीं आएंगे, आपके बच्चे गारंटी सुरक्षित रहेंगे। ये हो गया है। फिर अभी ये दिक्कत आती है कि भाई हम तो जाली दूसरी मार दिए, अभी ये जाली हम फार्म को नहीं डाल सकते, तो हम क्या करना चाहिए। ओके दोस्त, ये सवाल रहता है, तो वो भी बताऊंगा, वो किस तरह चूहे जब फार्म में आते हैं उन्हें किस तरह दूर किया जाता है, वो भी तरीके है कुछ, वो भी जान लीजिएगा दोस्तों। अभी दूसरा तरीका आता है, पहला तरीका जाली का हो गया, दूसरा तरीका है यहाँ पर जो बॉक्स देख रहे हो इस तरह का। ओके, आपको मिट्टी तेल का जो डब्बा रहता है वो ज़मीन में गाड़ देना है आपको, उसके बाद इस तरह का एक शीक आड़े से आड़े रख देना है, उसके बाद एक टीन का जो रहता है वो एक कर देना है। अभी इस पर कुछ थोड़े से दाने डाल दोगे चावल के तो चूहा आएगा, अगर से नहीं डालोगे तो भी तभी कभी कभी गिरते हैं। तो पहले क्या करना है आपको, थोड़े से शाम में थोड़े दाने डाल देना है इस पर, तो डाल दोगे दाने इस पर तो चूहा आएगा इधर से या किधर से भी आएगा, थोड़ा सा इस तरह अगर हुआ तो चूहा नीचे गिर भी आएगा उसका। यहाँ पर अंदर देख सकते हो इसमें पानी रहेगा। ओके दोस्त, एक 4 इंच या 5-6 इंच पानी रखोगे अंदर तो चूहा उसमें गिर जाने के चांसेस है। ओके दोस्त, जब आप वो चूहे को निकाल दे सकते हो, ये एक दूसरा बेहतरीन तरीका है। ओके, तो ये दिक्कत मुझे भी आई है, इसलिए आपको डिटेल से एक्सप्लेन कर सक रहा हूँ मैं। ओके दोस्त, मतलब इस तरह का, यहाँ दूर से देख लीजिएगा, उस तरह एक बॉक्स उसमें ज़मीन में गाड़ कर रख दोगे, कुछ मतलब ऊपर रखकर एक लकड़ी भी इधर से उधर रख दोगे तो कुछ चूहे चढ़ेंगे या नहीं चढ़ेंगे दोस्त, इसलिए आप ज़मीन में गाड़ दोगे और डब्बा, तो डेफिनेटली वो मतलब चूहे की एक खासियत रहती है कि दीवार के लंबे नहीं जाते हैं ज़्यादातर चूहे। ओके दोस्त, जो कॉर्नर्स रहते हैं यहाँ पर, एक वहाँ और जैसे कॉर्नर्स रहते हैं फार्म के, उधर उधर 4 कॉर्नर्स पे एक एक लगा दोगे इस तरह के डब्बे, तो आसानी रहेगी आपको, चूहों की दिक्कत नहीं आएगी। एक जाली हो गया, दूसरा ये डब्बा हो गया, ये बेहतरीन रहेगा। ओके दोस्त, तो ये दो आजमा सकते हो। इसके बाद तीसरा क्या रहता है, तीसरा आपको स्टैंड रहते हैं, पर ये आपको ध्यान रखना है कि बच्चे नहीं रहना चाहिए, बाहर बच्चे नहीं आना चाहिए। ओके दोस्त, फ्री रेंज एरिया में मुर्गी आएगी तो उसमें 4 से 6 इंच में पानी रखोगे तो मुर्गी को क्या कुछ नहीं होगा। ओके दोस्त, पर बच्चे गिरेंगे तो उसमें डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा है, इसीलिए आपको बच्चे बाहर नहीं हो तो उस तरह रखिएगा। अगर से बच्चे बाहर हो तो अभी वो भी तरीका बताता हूँ आपको, तो सुबह इस तरह रख दोगे तो चल जाएगा। ओके दोस्तों, हाँ देख सक रहे हो, तो सुबह इस तरह करना है, शाम में निकाल देना है वो। ओके, तो ये दो हो गए। इसके बाद क्या रहता है, चूहों के बोन रहते हैं। ओके दोस्त, मतलब बोन्स कैसा, चूहे खोपरे का या टमाटे का कुछ भी लगा दो, लगा दिए के बाद वो चूहा खाने जाएगा, फिर वो ढक्कन गिर जाएगा। ओके दोस्त, इस तरह से करोगे तो अच्छा रहेगा। उसके बाद वो बोन से एक रहता है, तीसरा तरीका। उसके बाद चौथा क्या रहता है, ओके दोस्त, चौथा क्या रहता है, यहाँ पर ये जो जाली देख रहे हो आप, ओके अभी बता दूंगा आपको, आप अगर से बोन नहीं ला रहे हो तो ये जाली को क्या करना है, इस तरह से आपको ये जाली जो फार्म को बताया हूँ यही जाली है दोस्त, वो ध्यान से देखिएगा ये भी, तो इस तरह से एक डोर बना दीजिएगा इस जाली का। ओके दोस्त, तो उसमें अंदर टमाटे या खोपरा कुछ भी रखिएगा खाने का आइटम चूहे को, तो इस तरह रखिएगा,
इसके बाद एक लब्बर इसको अटैचमेंट करिए, अंदर जाकर खाने जाएगा वो लकड़ी को लगते ही ये डोर इस तरह मुँचे जाना चाहिए। ओके दोस्त, मतलब एक लब्बर लगा दीजिएगा इसे, फिर बाहर नहीं निकल सकता है चूहा। ओके दोस्त, तो इस तरह करोगे तो डेफिनेटली चूहों को ये तीन हो गए या चार हो गए इस जरिए, मतलब एक जाली हो गई है, उसके बाद दूसरी क्या हो गई है, एक जाली हो गई है, दूसरी जो मिट्टी तेल के डब्बे ज़मीन में गाड़ कर बताया मैंने वो हो गया है, और तीसरा हो गया है जो बोन रहता है चूहों का तो वो हो गया है, और ये चौथा हो गया है इस तरह का, इस तरह की जाली। ओके दोस्त, ये चार तरीक़ों से बहुत सिंपल चूहों की दिक्कत नहीं आएगी, चार तरीके अपनाओगे तो। ओके दोस्त, इसके बाद क्या रहता है, कुछ चूहों की दवा भी रहती है, मतलब वो मुर्गी खाए तो कुछ इफेक्ट नहीं होगा, पर चूहे खाएंगे तो चले जाएंगे वो चूहे, इसलिए वो दवा भी इस्तेमाल कर सकते हो, पर वो दवा से बेहतर रहेगा ये चार तरीके अपना लीजिएगा, डेफिनेटली चूहों की दिक्कत आपके फार्म में नहीं आएगी। ओके दोस्त, इसी तरह की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं देते रहूँगा आपको हमेशा, वो इन्फॉर्मेशन आप तक आने के लिए सिर्फ सब्सक्राइब करना काफ़ी है दोस्त, अगर से वीडियो पसंद आए तो जिससे एक लाइक कर देना और शेयर करना। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो, हैव अ नाइस डे। कल का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्त, क्योंकि गर्मी के मौसम से जब बारिश के मौसम में चेंज होता है, वेदर कन्वर्ट होता है, तो सीजन चेंज होता है, तो हमको क्या क्या दिक्कत, मतलब क्या क्या दिक्कत आती है, हमको किस तरह बदलाव करना चाहिए मुर्गी पालन में, ये टॉपिक होगी। मुर्गी पालन में किस तरह, गर्मी के मौसम में मुर्गी पालन किस तरह करना है और बारिश के मौसम में किस तरह करना है। ओके दोस्त, मतलब जो जो बदलाव करना है मुर्गी पालन में वो बताऊंगा वो वीडियो में, क्योंकि फीड में भी बदलाव करना पड़ेगा हमें और कुछ दूसरे भी बदलाव करना पड़ेगा। ओके दोस्त, इसलिए कल का वीडियो मिस मत होइएगा। ओके दोस्त, कल शाम 8 बजे वो वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो।